साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कोई भी गाय या भैंस जब रिपीटर बन जाती है, ये कितनी बार फिर गई भाई? 10-12 बार। लो, मालिक बता रहे हैं कि 10-12 बार ये रिपीट हो गई है। आज हम आए हैं इसकी AI करने के लिए। और आपने AI वगैरह कितनी बार करवा दी? 10-12 बार AI करवा दी। भैंसा भी छोड़ा क्या? 2 बार भैंसा भी छोड़ दिया, यानी पूरी तरीके से ये परेशान है। और आज हमारा नंबर आया है तो यहाँ पर हमें पूरी परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी पड़ेगी, जो AI की गई, स्ट्रो यूज़ की गई, अच्छी यूज़ की गई और नो डाउट लेबोरेटरी में चेक की हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको गैबिन ठहराने के लिए एक देसी फॉर्मूला जो भाइयों के हाथ में है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे इसको 100% गैबिन ठहरना ही पड़ेगा। और इसका जब काफ आएगा ना, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखो इन्होंने क्या क्या ले रखा है, अभी मंगवाया है हमने ये चीज़ें, थोड़ा नज़दीक करके दिखाएं। ताज़ा पालक, ये आप देख रहे हैं, ताज़ा पालक मेरे हाथ में है। और साथ में देखिए ये है धनिया, ये धनिया इनके घर पे धनिया भी लगा हुआ था, हमने मंगवा लिया। और पालक भी मंगवा लिया है ताज़ा, ये देखिए। और साथ में अगर मान लो ताज़ा, ये थोड़ा सा धनिया इनके यहाँ कम मिला है, तो साबुत धनिया जो आप ये देख पा रहे हैं, साबुत धनिया, तो साबुत धनिया भी हम इसको दिलवाएंगे। तो देखिए इनकी मात्राएं क्या क्या रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पालक है जितना दे सके अच्छा, 1 किलो दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। पर डे 2 किलो तक आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी 1 किलो खिला देना आज, 1 किलो कल खिला देना। ये जो ये हरा धनिया है, ये 250-250 ग्राम हम खिला सकते हैं, 250 ग्राम आज, 250 ग्राम कल, ये बहुत ही अच्छा है। और साथ में है ना, ये साबुत भी खिलाना आप, 50-50 ग्राम सुबह शाम 2 दिन तक साबुत धनिया भी देना है। तो ये जो मात्राएं हैं ये देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ में 100 ml घी, देसी घी मिल जाएगा इसका, वो आज देना है और 100 ml कल देना है। तो भाई ये चारों चीज़ें अगर दी जाएगी तो इसको कन्फर्म गैबिन ठहरना पड़ेगा। आप भी अगर परेशान हैं इनकी तरह तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी अच्छी भैंस है, लेकिन बार बार रिपीट होने से बहुत ही नुकसान। ब्याई हुई कब की है ये? 1.5 साल की ब्याई हुई होगी, तो ये गलत हो जाता है फिर, ज़्यादा अगर ड्राई पीरियड लंबा हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप भी इस तरीके को इस्तेमाल करके और गैबिन ठहरा सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।